हाँ बेटा, कैमरे में बहुत सारे एड्स हटा सकते हैं यूट्यूब पे। क्यों, एड में क्या प्रॉब्लम है? एड्स बहुत गंदे होते हैं। क्यों गंदे होते हैं? बिकॉज मैं वीडियो गेम खेलती हूँ। अच्छा, इसलिए एड हटा दो। लाओ दिखाओ जरा बाबा। जब आप सोचते थे एड्स भी गंदे होते थे? जबरदस्त जबरदस्त एड आते थे जब बाबा छोटे थे। पता है, जब बाबा इंडिया गए, बाबा 4 इयर्स के थे, ठीक है, तो ऑडियो कैसेट में बाबा को ऐड रिकॉर्ड करके दिए थे, क्योंकि कोई बाबा को खाना खिला रहा होता तो वो ऐड लगा देता टेप रिकॉर्डर में, और ये सब होता था। और इतने अच्छे अच्छे ऐड होते थे, तुमको भी याद है, जैसे प्यारे बच्चों और चेरी ब्लॉसम लगाए जिंगल्स हो तो बेहतरीन। लाइंस हो तो आउट क्लास। खालिस अज्जा बेहतर शरबत, 1 लीटर, एक ही बहुत है। नई सीडी 70। ये सारे एड जो है, इनमें से 80% एड किसने बनाए हैं? सईद रिजवी ने, जिन्होंने वो बनाई थी सर खटा इंसान। वो बाबा के फ्रेंड हैं, बाबा गए थे उनके पास, भैया को भी लेके गए थे, और तुम्हें भी लेके जाएंगे अब उनके पास, उनका स्टूडियो भी है, और चलो आओ उनसे बात करते हैं, ठीक है? आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सईद रिज़वी साहब, आपके क्रेडिट पे तो कुछ 1000 से ज्यादा एड्स हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, और ये बताएं कि आपके एड्स आज तक क्यों याद है, आपके और आपके जो कंटेम्प्रेरीज के एड्स थे वो आज तक हमको याद है, लेकिन जो आज के एड्स हैं वो याद ही नहीं रहते। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मेरे क्रेडिट में माशाल्लाह 2000 से ज़्यादा कमर्शियल्स हैं, और हमारे दौर में लाइन हमारे खुद कहते थे कि आप कभी टॉप स्टार्स को ना लें। उसकी वजह है टेक्निकल वजह, कि अगर हम स्टार को ले रहे हैं तो हम स्टार को बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो उस वजह से हम स्टार्स को अवॉइड करते थे। मगर आज ऑन द कॉन्ट्ररी हम एक डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं, कमर्शियल चलती 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 वो अदाकार हमने एक्टिंग करा है, इनमें प्रोडक्ट आ गए। आज तक हमें रिकॉल ही नहीं होती कि कौन से प्रोडक्ट का ये कमर्शियल चल रही है। क्या टेक्निक क्या थी आपकी? उसका लव जिंगल्स बनाया करते थे, और उसके जो लिरिक्स होते थे वो लाइन चेक करता था, हम अपना खुद पहले रिजेक्ट करते थे, यार इसकी मेलोडी में मज़ा नहीं आया। आज कोई भी चिकल की रिकॉर्डिंग नहीं, मैं बताना नहीं चाहता ना, तो मैं अगर अपने चिकल गिराओ तो हम पता नहीं कितने चाहिए बोलते हैं। कल आपने कौन कौन से जिंगल्स बनाए? मैं अपने स्टार से जिंगल गिराओ तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश का जिंगल बनाया था, गुड एवर लॉन्ग का 73-74 में बैरजन एडवर्टाइजिंग के लिए। फिर मैंने 40 कॉन्फ्लिक्स का बनाया, वे बड़ा विजिगल्स बनाया, और फिर 80s में जब मैं विचुअल इफेक्ट्स सीख रहा था तो उस वक्त मैंने जिंगल बनाया था वजीर अली इंडस्ट्री के, एक शो पाया था फैंटेसी, उसमें मैंने लाइव एनिमेशन कम्बाइन किया था, वो पहला ऐप था जिसमें लाइव एनिमेशन कम्बाइन किया। उसी दौर में एक प्रोडक्ट थी ब्राइट, उसका जिंगल बहुत पॉपुलर हुआ डबल एक्शन ब्राइट का,
फिर आया अब होकर दुनिया में दुबई में साथ हम तक ये सारे आए थे दो अफजा फिर मैं नाज ने बहुत अच्छा डिग्री गाया था चेरी ब्लॉसिंग का जिम था पापोला का जिम था पैप्सी का जिम था मेफेयर का जिम था बेपना जिंगल्स बना और एनडीसी की एक पूरी एक रो थी जिंगल्स की बिनाकार की रो थी ये जो इतनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें ये पान मसाला बन गया ये कैसे हुआ सर पान मसाला का ऐड भी जो है ना वो एक बस एक ऐड बन गया वो मैं उस जमाने में से लेके एक और क्लाइंट्स का बहुत काम कर रहा था मैं टाइड अप था काफ़ी काम में तो हमारे दोस्त के जानने वाले थे जो उसके ओनर थे अशरफ शाह उन्होंने कहा कि एक हैट बनाना है तो हमने बैठ के डिटेल तस्वीर किया एक ऐसा प्रोडक्ट पान मसाला तो बस वो लाइट आई कि मेरी पुठी में बंद है क्या बता दो ना उसमें जो लोगों ने पसंद किया उसमें दो म्यूजिक के फ्लैशेस थे तो उसमें उसके मुठ्ठी कोरला जो दादा वो लोगों को बहुत उस फ्लैशेस को सिंग किया था मैंने बता दो ना उस एड में जो फर्स्ट शॉट दिया था हमने वो ये था क्लिफ्टन के ऊपर उस जमाने में क्लिफ्टन इतना डेवलप नहीं था और वो फैसल रहमान जो है ना साइकिल पे चलाते हुए आते अब वो उतरता है और वो आरजू खड़ी होती है उन्हें उस तरीके से वो ऐड शुरू होता है फिर उसका बाकी का पोर्शन हमने उस जमाने में 4-5 तारीफ रोड के पास बना नहीं था पूरा पूरा जंगल सा था तो बाकी का पोर्शन जो था वो 5 शूट किया था खैर जंगल में तो आपने शूट किया है मेफेयर का ऐड उम्मीद है कि वो आपके पास कहीं मुझे मिल जाएगा वैसे तो कहीं मिला नहीं है वो मैंने 4 कैमरों से शूट किया था वो मेफेयर स्वीट्स का था वो पूरा छांगा मामला मैंने बुक किया था और उस पर मैंने मेन मॉडल लिया था इंडिया को और स्वेडिंग कर रही और बच्चे इंजॉय कर रहे इट्स चुकू चुकू ट्रेन इट्स अ मेफेयर ट्रेन अलोंग किड्स टू द मेफेयर ट्रेन जो प्रिंसटन द बिग वन था उसके बारे में बताइए समंदर में आपके साथ हैंड हो गया था प्रिंसटन की लॉन्चिंग हुई थी और वो एक फर्स्ट टाइम आया था वो नॉर्मल सिगरेट से उसकी साइज थोड़ी बड़ी थी तो वो प्रिंसटन द बिग वन के लिए हम चाह रहे थे कि कोई नया स्पॉट बनाए तो समंदर किनारे मैंने पूरा वो आर्टिफिशियली वो ट्रीज को बैनियन ट्रीज को वो कोकोनट ट्रीज को काट के हमने बनाया था हमने पूरी शूटिंग की ट्रॉली यानी वो 5 बजे के बाद जो है ना समंदर बढ़ना शुरू हुआ वो जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ हमें तो बाद में सारे आर्टिस्टों के प्रोजा प्रिय सके पानी आधा आधा उनके घुटनों तो बाहर रहता और तुमको पता है जो पाकिस्तान इंडिया की पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी शानी वो इन्होंने बनाई थी सईद रिज़वी ने तो सईद भाई ये बताइए कि शानी जो है वो भी तो एड से ही बनी थी ना एड्स कुछ आपने ऐसे बनाए थे कि फिर आपके बाबा ने आपको शानी का आइडिया दिया शुरू में एक एड के लिए मुझे कहा था इंटरप्रो में वो था एक सीमेंट का था पाक में सीमेंट तो उस वक्त मैं विजुअल इफेक्ट की ट्रेनिंग लेके आया था मेरे पीछे में स्टाइल हो गई थी और मैं काम शुरू करना था तो मुझे पाक में सीमेंट का एड बनना था तो वो मैंने पूरा एक समझ लें आपके एक पूरा एक एब्स्ट्रैक्ट एड बनाया था ये रेजर बीम्स है और वो स्लो मोशन में बैग गिर रहा है और चिमनी के पीछे से टाइटल लाना वो उस जमाने में लोग कंसीव भी नहीं कर सकते थे तो वो ऐड जो है ना वो बहुत पॉपुलर हुआ तो उसी के साथ
नेक्स्ट ईयर मैंने कैरेट बनाया वो था सानी टाउन का, ये पूरा टाउनशिप जो है वो स्पेस से उड़ती हुई चली आ रही और जाके एक जगह वो जाके वो बिल्कुल प्लेन हो जाती और उस जगह का नाम है सानी टाउन। तो वो उसमें बड़ा ग्लोइंग पूरा स्पेस पे मैंने बनाया था लोगों के रिएक्शन। तो वो ऐड देखने के बाद डैडी ने मुझसे कहा था कि तुम ऐसी फिल्म बना फिक्शन, तो फिर मेरे शादी कर सी। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। अभी आप सईद रिज़वी भाई जो है ना, सईद रिज़वी के बाबा भी एक प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई है वहीद मुराद के साथ फिल्म्स। एक थी समंदर में बनाई थी पूरी फिल्म, वो थी। और उसमें सबसे ज्यादा गाने किसके थे पता है? तुम बता। एग्जैक्टली अहमद रिज़वी के थे सारे गाने उन फिल्मों में। और पता है तुमको ये बात, शानी फिल्म बनाई इन्होंने, फिर सरकटा इंसान बनाए इन्होंने, और तिलस्मी जजीरा बनाई, सब साइंस शानी देखोगी। चलो ठीक है, आप देखेंगे। अदाफ़ है सईद भाई। बाय बाय।